सत श्री अकाल, तुसी देख रहे हो हरजस टीवी ते मैं हिमानी खबरां दे बुलेटिन्स दे विच तुहाडा सारिआं दा स्वागत करदी हां। नजर पाउंदे अज दीआं कुछ मुख खबरां दे उपर। SGPC प्रधान दा अज चोण एडवोकेट तामिया ते संत बलबीर सिंह कुंसन रहणगे उम्मीदवार। तरन तारण दे तुंग पिंड च वड्डी वारदात, इको परिवार दे तीन जीआं दा बेरहमी दे नाल कतल। लखा सिधाणा नूं पुलिस ने कीता रिहा, शांति बनाए रखण दा दित्ता भरोसा। धोखाधड़ी मामले च अगवाई दौरान जज नाल भिड़े डोनल्ड ट्रंप, लगाया पक्षपात का दोष। रैपर हनी सिंह की पत्नी शालिनी तलफाड़ नाल होया डिवोर्स, 12 साल बाद टुटिया ये रिश्ता। हुण खबरां विस्तार दे विच। श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के प्रधान की अज चोण होगी। श्रोमणी अकाली दल के प्रधान की चोण लई एडवोकेट हरजिंदर सिंह धामी नूं अपना उम्मीदवार बनाउण दा फैसला कीता है। इस बारे फैसला श्रोमणी अकाली दल के प्रधान सुखबीर बादल वल्लों श्रोमणी कमेटी मैंबरां नाल मुलाकात करके उन्हां दे राय लैण मगरों कीता गया। मैंबरां दी इह सर्वसम्मति नाल कीती गई। एडवोकेट धामी ने पिछले 2 सालों विच श्रोमणी कमेटी के प्रधान वजों चंगीआं सेवावां दित्तीआं हन ते पार्टी नूं तीजी वार उन्हां नूं उम्मीदवार बनाउणा चाहिदा है। बादल ने दस्या है कि इस बारे सर्वसहमति नाल ही राय सी कि एडवोकेट धामी प्रबंधक कदर कीमतां वास्ते डटे हन ते उन्हां ने अपने कार्यकाल दौरान प्रबंधक संस्थावां वास्ते डट के पहरा दित्ता है। उन्हां कहा कि असीं उन्हां दे काम दी शलांघा करदे हां ते उन्हां दे विश्वास है कि उह श्रोमणी कमेटी नूं होर बुलंदियां तक लै के जाणगे। पंजाब के तरन तारण जिले के ट्रिपल मर्डर की वारदात सामने आई है। विधानसभा हलका पट्टी के पिंड तुंग विच एक ही परिवार के तीन जिया का बेरहमी के नाल कतल करन वाला मामला सामने आया है। इस दे विच दो औरतां ते एक व्यक्ति की हत्या की गई है। घटना की सूचना मिलते ही थाना हरीके दे पुलिस मौके पर पहुंच, DSP भट्टी जसपाल सिंह ढिल्लों समेत थाना हरीके दे पुलिस दे मौके पर पहुंच के अगलेरली कार्रवाई शुरू कर दी। जानकारी अनुसार जिले के हरीके फाल खेतर अधीन पैंदे पिंड तुंग दा बीती रात पति पत्नी अते भरजाई का कतल कर दिता गया। मृतका की पछाण इकबाल सिंह, उसकी पत्नी लखविंदर कौर ते भरजाई सीता कौर वजो हुई है। तिना दियां लाशां अलग अलग कमरियां च मिलदियां ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਟੇਪ ਨਾਲ ਟਕੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਘਟਨਾ ਦੇਰ ਰਾਤ ਲੁੱਟ ਦੀ ਨੀਅਤ ਨਾਲ ਵਾਪਰੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਬਾਰੀਕੀ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮ੍ਰਿਤਕ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਦਾ ਲੜਕਾ ਵਿਦੇਸ਼ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲੜਕੀਆਂ ਵਿਆਹੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਸੂਤਰਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕੰਮ ਲਈ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਕਤਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਰਾਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। लखा सिधाणा दे रामपुरा पुलिस वालों देर रात रिहा कर दिता गया है। उस वेले शांति बनाए रखने का भरोसा मगरों रिहा किया गया है। जिक्रयोग है कि शहर के सर्व हितकारी स्कूल खिलाफ धरना देने दे समय लखा सिधाणा साथियों समेत पुलिस के हिरासत में लिया गया। जिक्रयोग है कि लखा सिधाणा सोमवार को सर्व हितकारी स्कूल पुजे सन और उन्होंने स्कूल के पंजाबी माँ बोली ਆਖੋ ਪਰੋਖੋ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਸਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਲੱਖਾ ਸਿਧਾਣਾ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦੇ ਸਕੂਲ ਦੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਅਤੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਬਹਿਸਬਾਜ਼ੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਲੱਖਾ ਸਿਧਾਣਾ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਕੂਲ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਧਰਨਾ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਗਵਾਹੀ ਦੇਣ ਲਈ ਨਿਊਯਾਰਕ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕੋਰਟ ਦੇ ਟਰੰਪ ਦੀ ਜੱਜ ਨਾਲ ਝੜਪ ਹੋ ਗਈ। ਗਵਾਹੀ ਦੇਣ ਕੋਰਟ 'ਚ ਜਦੋਂ ਟਰੰਪ ਆਏ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੰਬਾ ਬਿਆਨ ਦੇਣ ਲੱਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਜੱਜ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਝਿੜਕਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕੋਰਟ ਰੂਮ ਹੈ, ਕੋਈ ਸਿਆਸੀ ਰੈਲੀ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰੋ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਟਰੰਪ ਜੱਜ ਨਾਲ ਵੀ ਉਲਝ ਗਏ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੱਖਪਾਤ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ। ਸਾਬਕਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟਰੰਪ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੋਨੇ ਬੇਟੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਬੈਂਕਾਂ, ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਤੋਂ ਰਿਆਇਤ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਵਧਾ ਚੜਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ 'ਚ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। एक महत्वपूर्ण फैसले दे विच दिल्ली दे एक अदालत ने प्रसिद्ध गायक अते रैपर यो हनी सिंह अते उसकी पत्नी नूं तलाक दे दिता है। प्रिंसीपल जज परमजीत सिंह ने उसकी पत्नी शालिनी तलवाड़ विचकार 2.5 साल पुराने एक मुकदमे नूं खत्म करदे हुए दोनों धिरां नूं तलाक का हुक्म दे दिता है। सिंह की पत्नी ने सिंह के घरेलू हिंसा के दोष लगाए सन। उन्होंने दसिया से कि वह डर के माहौल दे विच परिवार च रह रही थी, क्योंकि सिंह अते उसका परिवार उसनूं मानसिक, शारीरिक, भावनात्मक, जिनसी ते आर्थिक हिंसा के शिकार बनाउंदे सन। ਇਹ ਸੀਗੀਆਂ ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਮੁੱਖ ਖਬਰਾਂ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਹਿਮਾਨੀ ਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ ਤੇ ਬਣੇ ਰਹੋ ਹਰਜਸ TV ਦੇ ਨਾਲ। ਹਰਜਸ ਹਰ ਥਾਂ।